चलिए इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर का हम रुख करते हैं और आपको बता दें यूएई के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इस वक्त वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं। साथियों, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुनिया भर के थॉट लीडर्स को एक मंच पर लाने का एक बड़ा माध्यम बन चुकी है। इसमें हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन रशीद की विजनरी लीडरशिप उसका बहुत बड़ा रोल है। दुबई जिस प्रकार ग्लोबल इकोनॉमी, कॉमर्स और टेक्नोलॉजी का एपी सेंटर बन रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। कोविड के दरियामान एक्सपो 2020 का आयोजन हो या फिर हाल में कोप 28 का आयोजन, ये दुबई स्टोरी के बेहतरीन उदाहरण है। मैं आपको इस समिट के लिए बधाई देता हूं, इसकी सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज हम 21वीं सदी में हैं। एक तरफ दुनिया आधुनिकता की तरफ बढ़ रही है तो पिछली सदी से चले आ रहे चैलेंजेस भी उतने ही व्यापक हो रहे हैं। फूड सिक्योरिटी हो, हेल्थ सिक्योरिटी हो, वाटर सिक्योरिटी हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो, एजुकेशन हो, समाज को इंक्लूसिव बनाना हो, हर सरकार अपने नागरिकों के प्रति अनेक दायित्वों से बंधी हुई है। टेक्नोलॉजी हर प्रकार से, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, एक की डिसरप्टर साबित हो रही है। टेररिज्म आए दिन एक नए स्वरूप के साथ मानवता के सामने नई चुनौती लेकर आ रहे हैं। क्लाइमेट से जुड़े चैलेंजेस भी समय के साथ और बड़े होते जा रहे हैं। एक तरफ डोमेस्टिक कंसर्न्स हैं तो दूसरी तरफ इंटरनेशनल सिस्टम्स बिखरा हुआ नजर आता है।